भी करती हूँ कि आप लोग स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को एक श्रद्धांजलि देने का काम करें और देवी देवी जी को 5 तारीख को एक नंबर जो कि क्रम संख्या है और तीर धनुष छाप में एक बार बटन दबा करके देवी देवी जी को अपना आशीर्वाद दें और टाइगर दादा को हमारा श्रद्धांजलि देने का आप लोग काम करें। यही आप लोगों से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस चुनावी सभा में यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे इंडिया गठबंधन के सहयोगी साथीगण, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित आपके बीच एक खोज की अपील के लिए आए श्रीमती देवी देवी जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारी बहनें, सभी हमारे युवा साथीगण, आप सबको हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, साथी जोहार आप सबको। आज आप लोग के बीच हम लोग आए हैं एक वोट की अपील के लिए। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आपके इस डुमरी विधानसभा में ये उपचुनाव होने जा रहा है। आज ये उपचुनाव होने की क्या परिस्थितियां बनी ये किसी से छुपा नहीं। आज देख सकते हैं कि जिस विकास पुरुष के माध्यम से आज पूरा डुमरी विधानसभा जगमगा रहा है। आज यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न पंचायतों में हम लोग घूमे हैं, हर जगह पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं, हर जगह पर बस एक ही आवाज है कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उस कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता और यहाँ से पूरी बहुमत के साथ श्रीमती देवी देवी जी को सभी लोगों ने ठाना है कि उनको 5 तारीख को वोट देना है और विधानसभा में भेजने का काम करना है। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि या वो महिला है, या वो महिला दीदी है, या वो पुरुष भाई लोग हैं, सभी लोगों ने मन बना लिए हैं कि हम लोग को 5 तारीख को एक नंबर में बटन दबाना है तीर धनुष छाप में और देवी देवी जी को जिता करके विधानसभा भेजने का काम करना है। साथ ही साथ आज पूर्व में कई सारी बातों को रखा माननीय हमारे भाई साहब ने, सही बात है, हम लोग भी भैरवगढ़ से आते हैं लेकिन डुमरी की चर्चा बराबर होती रहती है क्योंकि अगर सही मायने में विकास देखा गया है तो ये डुमरी विधानसभा में देखा गया है। आज 18-18 यहाँ पर पुल बनाए गए हैं, ITI कॉलेज आपके यहाँ पर बना है, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए डिग्री कॉलेज का निर्माण किया गया है और हाल ही में 500 बेड का अस्पताल की घोषणा माननीय मंत्री जी के, देवी देवी जी के टाइम पे 500 बेड का अस्पताल की घोषणा भी की गई है। आपके बहुत जल्द डुमरी विधानसभा में देवी देवी जी की अनुशंसा से 500 बेड का अस्पताल आपके यहाँ बनने जा रहा है जो कि यहाँ के सभी युवाओं और महिलाओं की सुविधा हेतु होने जा रहा है। साथ ही साथ या वो सड़क हो, या पैदल की व्यवस्था हो, या बिजली की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं आपके यहाँ पर अगर किसी ने देने का काम किया है तो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने देने का काम किया गया है। हम ये पूछना चाहते हैं आप ही लोग, क्या हमने जो बातें अभी कही क्या वो सही है या नहीं? सही है। तो आज अगर कोई भी लोग हमारे बीच जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे पार्टी के लोग, कुछ आंसू पार्टी के लोग हैं जो आपके बीच आते हैं वोट मांगने के लिए। भाई अगर आंसू पार्टी के लोग आपके बीच आए वोट मांगने के लिए तो आप सबसे पहले उनसे पूछिए कि भाई आप किस मुंह से यहाँ वोट मांगने आते हैं। भाई आपको हमने सांसद बनाया है, आपके सांसद आंसू पार्टी के हैं, क्या एक भी शिलापत्र या एक भी ईंट उस सांसद का लगा है आपके यहाँ पर? एक भी ईंट, एक भी काम उनके माध्यम से नहीं किया। फिर वही आंसू पार्टी का आदमी आ रहा है विधायक की मांग करने के लिए, तो क्या एक बार तो सांसद आंसू पार्टी को हम लोग बना दिए, क्या दोबारा यही धोखा हम लोग करेंगे कि आंसू पार्टी का विधायक बना दें? कभी नहीं, ये गलती हम लोगों को नहीं दोहराना है। एक बार लोग ठोकर खाते हैं, बार बार ठोकर नहीं खाते हैं। आपके यहाँ अगर विकास का काम हो सकता है तो टाइगर जगन्नाथ महतो जी के माध्यम से हुआ है और अब जो भी अधूरे काम है वो श्रीमती देवी देवी जी के माध्यम से आपके यहाँ काम होना है, ये हम सुनिश्चित आप लोगों को करने आए हैं। साथ ही साथ कई सारे लोग आपके बीच आएंगे आपका वोट खरीदने के लिए, क्योंकि हम लोग भाई
वोट मांगने आए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, विनतियां कर रहे हैं आप लोगों से वोट के लिए, लेकिन कई सारे लोग आपको वोट खरीदने के लिए आएंगे, झूठा मूठा प्रलोभन देने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगी, यही विनती करना चाहूंगी कि अपने वोट का बिखराव मत कीजिए, क्योंकि यही एक वोट है जो आपके बच्चों का भविष्य संवार सकता है, यही एक वोट है जो आपके डुमरे विधानसभा का विकास कर सकता है, यही एक वोट है जो आप महिलाओं को सम्मान देने का काम कर सकता है। इसीलिए अपनी वोट की अहमियत को समझे, आपका एक एक वोट 5 तारीख को एक नंबर में तीर धनुष छाप में बटन दबा करके देना है और बेबी देवी जी को विधानसभा भेजने का काम करना है। साथ ही साथ कई जगहों पर चूल्हा प्रमुख भी बनाए गए हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ भी कोई चूल्हा प्रमुख अगर बने होंगे तो उन दीदी और दादा लोग से हम यही कहना चाहते हैं कि भाई आपकी ये मानवता होनी चाहिए, क्योंकि आसू के जो दो लोग हैं जो आसू के केंद्रीय अध्यक्ष और एक आसू का बहुत बड़ा लीडर अपने आप को मानते हैं, क्योंकि दोनों मौसा भतीजा हैं जो आसू पार्टी चलाने का काम करते हैं, अगर वो लोग आपके बीच में आए और चूल्हा प्रमुख बनाने का काम करें तो आप लोग बस उन्हीं को एक जवाब दीजिए, क्योंकि आसू पार्टी की नजर में शर्मिंदगी नाम की कोई चीज नहीं बची है, मानवता नाम की कोई चीज नहीं बची है, क्योंकि जब स्वर्ग जगन्नाथ माता जी का पार्थिव शरीर आया था तो यही आसू के लोगों ने कहा था कि इस बार उपचुनाव में कोई कैंडिडेट आसू पार्टी नहीं देगा, लेकिन इसकी दोहरी नीति देखिए, किया कुछ और कर दिया कुछ और, उस दिन कहा कि कैंडिडेट नहीं देंगे और आज अपना कैंडिडेट उतारने का काम किया है। तो ऐसे दोहरे लोगों से हमें बचना है और उनको जवाब देना है कि भाई वोट की चोट से 5 तारीख को जवाब दे करके विधानसभा में भेजना है बेबी देवी जी को और राष्ट्रीय पार्टी को छक्का मार के भेज देना है जहां से वो लोग आया है। साथ ही साथ हम याद करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि जगन्नाथ बाबू जी के जो भी अधूरे काम है उस अधूरे काम को बेबी देवी जी आज आपके लिए पूरा करने के लिए घर से निकली है। बताइए कभी भी बेबी देवी जी ने नहीं सोचा होगा कि ये परिस्थिति उनके सामने आएंगी, क्या कभी आप लोग भी सोचे थे कि टाइगर जगन्नाथ की जगह आज उनकी धनपत्नी आएंगी? कभी नहीं, किसी ने नहीं सोचा। आज हमारी आत्मा कलपती है कि ऐसे हमने टाइगर को खोया जिनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं रामगढ़ से आती हूँ और कभी भी उनके पास हम लोग जाते थे तो जिस परिस्थिति में रहते थे हमेशा हम लोगों से मिलने का काम करते थे, कभी भी गए दिन हो रात हो दवा खा के भी रेस्ट कर रहे होते थे, लेकिन वो आकर के सबसे पहले पूछते थे कि ममता किस काम से आई हो, अपना काम बताओ मैं बाद में रेस्ट कर लूंगा। तो ऐसे व्यक्ति थे कि कभी भी कोई दुर्घटना घटी हो या कभी भी कोई विकट परिस्थिति आपके विधानसभा में आई है, हमेशा जगन्नाथ जी आने का काम किए हैं और आपके लिए खड़े होने का काम किए हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ, ये विनती करती हूँ कि आप लोग स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को एक श्रद्धांजलि देने का काम करें और बेबी देवी जी को 5 तारीख को एक नंबर जो कि क्रम संख्या है और तीर धनुष छाप में एक बार बटन दबा करके बेबी देवी जी को अपना आशीर्वाद दें और टाइगर दादा को हमारा श्रद्धांजलि देने का आप लोग काम करें, यही आप लोगों से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जो आ रहा था। धन्यवाद।